नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम बोनसाई के रूप में जेड प्लांट को बोनसाई के रूप में कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, देखा जाता है कि बोनसाई बनाने के लिए थोड़ी छोटी पत्ती वाले जो पौधे होते हैं वो बहुत उपयुक्त होते हैं। उसी कड़ी में ये जो है जेड प्लांट का प्लांट है वो बोनसाई के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियाँ आती है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको जैसे मोड़ना चाहे वैसे मोड़ सकता है, और थोड़ा सा दूधिया प्लांट होने के कारण इसमें कम पानी और कम मेंटेनेंस में ये बहुत ही खूबसूरत बन पड़ता है। तो मित्रों, आइए चलिए देखते हैं कि बोनसाई किस तरह से बना सकते हैं। जो नर्सरी बैग है उसको सबसे पहले हमको इसको निकाल लेना है, ये देखिए इस तरह से, ताकि इसकी मिट्टी कम कर सके, क्योंकि हमको आगे चल के जो बोनसाई बनाना है उसमें जो है बहुत ही कम मिट्टी का उपयोग होगा, और जो है इसकी छोटी छोटी जड़ों पे ही ये पौधा आगे चलेगा। पौधे की पन्नी हटाने के बाद में हमको ये मिट्टी को थोड़ी कम कर लेना है, क्योंकि हमको इतनी मिट्टी की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि बोनसाई की ट्रे बहुत छोटी होती है और उसमें जो है हम लोग जो बोनसाई का सॉइल मिक्स डालते हैं उसके लिए जगह होना ज़रूरी है। तो हम जो है इसकी मिट्टी कम कर देते हैं। इस तरह से इसकी मिट्टी हमने कम कर ली है। दोस्तों, जैसे फाइकस में मैंने बताया कि जो बिगिनर्स रहते हैं, जो नए बोनसाई सीख रहे हैं, उनने सबसे पहले फाइकस पे सीखना चाहिए, क्योंकि उसमें मॉर्टेलिटी रेट कम होता है। और इसके बाद में आप जेड प्लांट पे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जेड प्लांट देखा जाता है ना तो वो बोनसाई के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है पौधा हम जब बनाते हैं तो सूखने का चांस बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जेड प्लांट पे सीखें। जेड प्लांट का किसी भी प्रकार का प्लांट ले सकते हैं आप, छोटा ले सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे कि एक कटिंग से बोनसाई तैयार कैसे करते हैं, तो छोटी सी कटिंग लगा के जेड प्लांट का बोनसाई बनाते हैं। आप मैंने ये थोड़ा सा मैच्योर प्लांट लिया है, ये 7-8 महीने का प्लांट है, और इसको मैंने जो है 10 इंच की बैग में ये जो प्लांट था इसको मैंने यहाँ पर अभी लिया है। तो इस तरह से बहुत सारी ये जड़ें जो है जो निकल रही है ये एक्सपोज हो गई है, और इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं अब बची है जो उसके साथ में थी। तो मित्रों, इस बहुत सारी जो मिट्टी थी हमने इसको निकाल दी, इसके बाद में ये बहुत सारी जड़ें जो दिख रही है ये एक्सपोज हो गई है। इन जड़ों को थोड़ी सी हम लोग कट करेंगे और उसके बाद में जो है हम छोटे से पॉट में रिपोर्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जेड प्लांट का जो है छोटा सा बोनसाई किस तरह से बना सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, आपको बहुत ही जानकारी अच्छी मिलेगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही यूनिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग रिपोर्ट कैसे करते हैं। जेड प्लांट का बोनसाई बनाने के लिए हमने बहुत ही छोटी लिए इसकी बोनसाई की ट्रे, 3-3.5 इंच की ऊंचाई वाली लिए, और 6 इंची की पॉट है ये। और इसमें सबसे पहले हमको ड्रेन होल बनाने के लिए 4-5 छेद कर देना है, ताकि जो है इसका पानी अच्छा सा ड्रेन हो सके। और ये दो काम करेगा, एक तो जो है हम लोग वायर बांधने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें होल कर दी है, अब इसको जो है वायर के माध्यम से जो है बोनसाई को एक अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए वायर हम डाल रहे हैं, ताकि आगे चल के जो है ये बोनसाई नीचे नहीं गिरे और अपनी जगह पे बना रहे। ये इस तरह से हमने वायर खड़े कर दिए, ये देखिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो है ये बोनसाई में बहुत सारी जड़ें निकली हुई हैं, और ये चूंकि पॉट बहुत छोटा है और इस पॉट में ये इतना सारा मटेरियल आएगा नहीं है वाला, और इसके साथ में हमको बोनसाई का मिक्स भी डालना है, तो हमें जो है कुछ रूट्स कम कर देनी है, क्योंकि इसमें क्या रूट्स बहुत फास्ट ग्रोथ है रूट्स की, तो वो चिंता नहीं करें कि रूट्स कब आएगी, लेकिन इसमें बहुत जल्दी आ जाएगी। इस तरह से अब रूट्स कम कर दिए हमने, और इसके साथ साथ में ये जो प्लांट में पत्तियां भी बहुत सारी है, हमें जो है इसकी पत्तियां कुछ कम करना पड़ेगी,
क्योंकि इस प्लांट का में वजन ज़्यादा हो गया और इसकी नई रूट डेवलप होने में तकलीफ होगी, इसलिए हम इसकी पत्तियां थोड़ी कम कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी पत्तियां हम लोग कम कर सकते हैं। मित्रों, इसमें जो है हमको ये जो पास पास में जितनी भी टहनियाँ निकली हुई है इनको थोड़ी एक एक बीच में हम लोग कम कर देंगे, ताकि क्या है कि आगे चल के ये देखिए इस तरह से एक छोड़ के जो है मैं इसमें कम कर रहा हूँ, ये एक छोड़ के कम कर दिया। ऐसे कैसे इस इधर भी हम करेंगे, इस तरह से जो है हमने इसमें थोड़े से पत्तियां कम कर दी है ताकि इसकी सुंदरता और बढ़ जाए। और ये जब बहुत ही सुंदर प्लांट बनेगा, इसका इसके पीछे रीज़न ही ये रहेगा कि हमको इसके शेप पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से इसके शेप को बना सकते हैं। अभी इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्लांट है इसका शेप हम किस तरह चाहते हैं। यदि हमको लगता है कि हमको गोल शेप का जेट प्लांट का बोनसाई बनाना हो तो फिर हम उसके लिए सिंगल प्लांट लेना पड़ेगा, इस तरह से सिंगल लेना पड़ेगा, उसको कट करेंगे फिर बहुत सारी ब्रांच निकलेगी और बन जाएगा। लेकिन मेरे को क्या है, दो टहनी वाला इसको बोनसाई बनाना है, इसलिए जो है मैंने इसके दो टहनी वाला इसका सिलेक्शन किया है। तो ये हमने बहुत सारी इसकी पत्तियाँ कम कर दी है अभी, और ऊपर से भी कट कर देना है ताकि ये अच्छे से निकल सके इसमें पत्तियां। ये इस तरह से ये प्लांट तैयार हो। अब इसका फेस जिधर अच्छा लगे उस तरह से इसको हम यहाँ रखेंगे इस तरह से, और इसको हम लोग बाद में वायर के माध्यम से बांध देंगे। उसके पहले बोनसाई प्लांट के लिए जो मिट्टी लगती है वो हमारे चैनल पे एक वीडियो है, बोनसाई की मिट्टी कैसे बनाएं, उसको देख सकते हैं। नहीं तो आप बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, मिट्टी लेंगे, थोड़ी सी ड्रेनेज वाली मिट्टी लेना पड़ेगी, एकदम काली मिट्टी नहीं चलेगी, थोड़ी सी भूरभूरी। और यदि आपके पास काली मिट्टी थोड़ी है तो उसके साथ साथ में हम लोग बालू रेत लेंगे, और उसके साथ साथ में हम लोग ईंट का भूसा लेंगे, और बालू में जो छन के जो बजरी निकल जाती है वो बजरी लेंगे, और थोड़े से ईंट के बड़े बड़े टुकड़े ले लेंगे, और थोड़ा सा स्टोन डस्ट ले लेंगे, और वर्मी कंपोस्ट और नीम खली थोड़ी थोड़ी ऐड करने से उसमें मिट्टी का बाइंडिंग बहुत अच्छी बनती है और बोनसाई के लिए उपयुक्त कही जाती है। तो मित्रों, जो अभी मेरे पास उपलब्ध है मिट्टी है, ये थोड़ी सी लाल कलर की मिट्टी है, उसमें मैंने जो है ये थोड़ी सी बालू रेत डाली है, और बालू रेत के साथ में ईंट का थोड़ा सा भूसा डाला है, और हमने वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा पहले से ऐड कर दिया है, और जो है नीम खली डाल रखी है। अब इसको सबको हम लोग मिक्स करेंगे बोनसाई की सॉइल बनाने के लिए। अब ये देखेंगे आपकी बोनसाई सॉइल जब बनती है तो ऐसी भुरभुरी होना चाहिए पूरी, इस तरह से थोड़ी सी बालू रेत की मात्रा ज़्यादा हो जाए ताकि पानी ड्रेन हो जाए। अब ये हमने यहाँ पॉट ले लिया है, और थोड़ी सी मिट्टी पहले हमको यहाँ पर डालना है इसके नीचे ताकि ये अच्छे से चल सके। तो ये हमने जो है इस तरह से रख के देखना है पहले, ये देखिए अब ये मुझे लग रहा है कि ये बढ़िया सेट हो जाएगा। तो ये जो वायर जो हमने डाला था, ये वायर को आपस में जो है गठान के रूप में बांध देंगे, और ये वायर बांधने से ये जो है बोनसाई अब निकलेगा नहीं। वो वायर डालने का यही मतलब होता है कि बोनसाई की प्लेट बहुत छोटी होती है, 3 इंची 4 इंच की, और उसका जो पेंदा होता है जो प्लांट का जो रखने का बैठक होती है वो बहुत ही पतली होती है। तो जब कोई हिल जाता है या प्लांट गिर जाता है उस समय ये वायर के माध्यम से देखिए, अभी मैंने जो है इसमें एक ही वायर डाला है और ये प्लांट नहीं निकल रहा है। तो जो नए लोग जो सीख रहे हैं वो हो सके तो वायर का प्रयोग किए कीजिए। वायर जो है गैलोनाइज का वायर होना चाहिए या और कोई धातु होना चाहिए जिसमें जंग नहीं लगे, ऐसे वायर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये इस तरीके से ले लिया है, और अब जो है मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगा।
ये बोनसाई सॉइल मिक्स डाल दूंगा और इसको जो है थोड़ा हल्के हाथ से दबा देंगे ताकि ये जड़ों तक पहुंच जाए सारी मिट्टी। ये देखिए, बाद में जब ये सेट हो जाएगा तो मोस घास रख सकते हैं या ग्रीन ग्रास इसके ऊपर लगा देंगे या छोटे छोटे स्टोन रख देंगे। और स्टोन रखने के बाद में आप इस प्लांट को इंडोर में रख सकते हैं, जो कि आपको आपकी जो जहाँ भी जगह रहेगी वहाँ भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगेगा। देखिए दोस्तों, हमने बहुत ही कम मेहनत में आपके सामने एक प्लांट लिया, छोटा सा प्लांट को हमने मिट्टी रिमूव करी और इस तरह से हमने बोनसाई बना दिया। कुछ ही दिनों में ये बहुत ही सुंदर प्लांट बन जाएगा और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए द प्लांट गुरु पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही यूनिक वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। तब तक के लिए नमस्ते।